तो यारों कैसे हैं आप सभी लोग एंड दोस्तों, बहुत दिन हो गए हमने हमारे चैनल पर पोकेमोन टाइम मिस्टर के बारे में बात ही नहीं किया है। आखिरकार ये कैसे हो सकता है, इसी कारण की वजह से दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं पोकेमोन मिस्टर के बारे में। आप लोग सोच रहे होंगे क्या कौन सी मिस्टर के बारे में बात करोगे, तो यस यार हम लोग बात करने वाले हैं पोकेमोन टाइप मिस्टर के बारे में। आज तो भाई आग, पानी, ग्रास सब कुछ आने वाला है, बिकॉज पोकेमोन टाइप में ये सब आते हैं। और दोस्तों आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद बोलोगे अरे भाई यार ऐसे मिस्टेक तो लातकाल से है। तो दोस्तों जिन लोगों को पता नहीं है कि ये टाइप मिस्टेक क्या होती है, उनको मैं छोटे से एग्जांपल के तरीके से समझा देता हूँ। जैसे कि यार एक चाइजर जो पोकेमोन है उसको हमको देखने से ऐसा लगता है कि उसको ड्रैगन टाइप होना चाहिए था, सो इसी वजह से ये भी एक मिस्टेक कहलाएगी हम फैंस के हिसाब से। या फिर यार अपना पोकेमोन गैरडोस जो है वो कौन से एंगल से फ्लाइंग टाइप का लगता है, कौन से एंगल से ये उड़ सकता है, इसी कारण की वजह से अपना जो पोकेमोन है गैरडोस एंड चाइजर उसके टाइप में मिस्टेक है। और आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे ही मिस्टेक के बारे में बात करेंगे जिसको देखकर आप हक्के बक्के रह जाओगे और आप बोलोगे भाई साहब जल्दी से नेक्स्ट पार्ट लेके आ जाओ। और हाँ, अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो जल्दी से लाइक के बटन पर क्लिक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी पोकेमोन को कैच किए। सो दोस्तों नंबर 10 पे जो पोकेमोन आता है ना वो है राइडोन पोकेमोन। और दोस्तों इसकी जो टाइपिंग है ना वो है रोकन ग्राउंड टाइप की टाइपिंग, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। और दोस्तों इसकी बॉडी को देखने से ऐसा लगता है कि इसको कहीं ना कहीं स्टील टाइप का होना चाहिए था। और इसका मेन कारण ये है कि पोकेमोन कंपनी वालों ने इसको स्टील टाइप का नहीं दिया, ये कारण ये है कि इसको कैंटो रीजन में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। और जैसा कि हम सबको पता है कि स्टील टाइप जो है वो जोटो रीजन में आया था, तो कौन से एंगल से ये जो पोकेमोन है स्टील टाइप का बन सकता, इसी वजह से इस पोकेमोन के साथ काफ़ी ज़्यादा नाइंसाफी हुई है। यानी कि जस्टिस चाहिए हमको राइडोन के साथ, इसको स्टील टाइप का होना चाहिए था। बिकॉज दोस्तों आप इसको देखो यार, इसकी बॉडी को देखो और इसके बॉडी के ऊपर जो ये ड्रिल मशीन लग रही है ना उसको देखो। और दोस्तों उसको देखने से तो ऐसे ही लगता है कि भाई साहब ये पोकेमोन बने ही है स्टील टाइप के लिए, बट हम लोग क्या कर सकते हैं अगर पोकेमोन कंपनी वालों ने इसको यार स्टील टाइप का नहीं दिया है। सो दैट्स व्हाई ये जो पोकेमोन है राइडोन हमारी वीडियो में नंबर 10 पर आता है। और दोस्तों नंबर 9 पे जो मिस्टेक होने वाली है ना वो एक लेजेंडरी मिस्टेक होने वाली है। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ शेड्यूल लेजेंडरी गुडरा के बारे में। आप लोग बोल रहे हो गुडरा के टाइप में क्या मिस्टेक है, ड्रैगन टाइप का है, बिल्कुल परफेक्ट है। बट दोस्तों कहीं ना कहीं मेरा कॉमन सेंस ये बोलता है कि अगर इसका हम इवोल्यूशन प्रोसेस को देखें, यानी कि जिन लोगों को पता नहीं कि इवोल्व कैसे होता है उनको मैं बता देता हूँ। अगर आपका गुडरा यानी कि उसका फर्स्ट स्टेज जो है पानी के टाइम, यानी कि जब बरसात होती है उस टाइम लेवलअप होता है, तब जाकर ये पोकेमोन गुडरा में इवोल्व होता है। और अगर इसके प्रोसेस को ध्यान से देखे तो यार हमको लगता है कि ये पोकेमोन कहीं ना कहीं वाटर टाइप का होना चाहिए था, बिकॉज ऐसा प्रोसेस यार बहुत कम ही पोकेमोन के पास होता है। और इसी कारण की वजह से गुडरा के इवोल्यूशन प्रोसेस की वजह से हम सब फैंस को ऐसा लग रहा है कि इसको ड्रैगन एंड वाटर टाइप का होना चाहिए था। बिकॉज यार कोई भी शेड्यूल लेजेंडरी वाटर टाइप का नहीं है, और अगर अपना गुडरा जो पोकेमोन है वाटर टाइप का होता तो मजे आ जाता। बट दोस्तों मुझे इसका कारण ये लगता है कि यार पोकेमोन कंपनी वालों ने इसको वाटर टाइप का नहीं दिया, वो कारण है एस। अभी एस मुझे बोलेगा गजब बेइज्जती है, यहाँ पे भी मुझे लेके आ गए। यानी कि दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप ऐसे केलो सीजन की टीम को देखो तो उसमें पहले से एक वाटर टाइप पोकेमोन ग्रीन जार मौजूद था। और इसी काम की वजह से पोकेमोन कंपनी वालों ने सोचा होगा कि यार ऐसी टीम में दो दो वाटर टाइप पोकेमोन आ जाएंगे, दो दो स्ट्रॉन्गेस्ट वाटर टाइप पोकेमोन आ जाएंगे जो कि देखने से अच्छा नहीं लगेगा। उसी काम की वजह से उन्होंने गुडरा को वाटर टाइप का नहीं किया, ओनली ऑन ड्रैगन टाइप का रहने दिया, जो कि मैं बात से सहमत भी हूँ। बट ये टाइप जो मिस्टेक है हमारी वीडियो में नंबर 9 बात दी है। और दोस्तों नंबर 8 पे जो पोकेमोन आते हैं ना वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन है सिनो रीजन के। यस गाइस मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्राइव एंड मैगमोटर के बारे में। दोनों जो पोकेमोन है गाइस काफी ज्यादा पावरफुल है, यहाँ तक क्या इनको देखने से ऐसा लगता है कि भाई साहब इनको फाइटिंग टाइप का भी होना चाहिए था। हाँ इलेक्ट्रिक एंड फायर टाइप के है ये मैं जानता हूँ, बट दोस्तों इनकी बॉडी को ही देखो यार। अगर आपने एनिमे सीरीज में दोनों पोकेमोन को देखा है तो हमेशा गुस्से में रहते हैं, जिसको देखो उनको यार मारने को दौड़ते हैं। तो यार ऐसे पोकेमोन को तो यार पक्का यार डेफिनेटली फाइटिंग टाइप का होना ही चाहिए था, और पोकेमोन कंपनी वालों ने इनको फाइटिंग टाइप का नहीं दिया, मुझे नहीं पता क्यों नहीं दिया। बट यार डेफिनेटली यार इनकी बॉडी लैंग्वेज को देखे, इनके एक्सप्रेशन को देखे तो ऐसे लगता है कि इनको फाइटिंग टाइप का होना ही चाहिए था। दैट्स व्हाई ये हमारी वीडियो में नंबर 8 पर आते हैं। और दोस्तों नंबर 7 पे एक ऐसा पोकेमोन आने वाला है ना, आप लोग बोलोगे ओ भाई यार ये कहां से आ गया। यस गाइस मैं बात कर रहा हूं आप सबके प्यारे लग्जरे के बारे में। लग्जरे को आपने केरो सीजन में देखा होगा क्या पोकेमोन है, बट
दोस्तों यार इसकी बॉडी को देखकर ऐसा लगता है कि भाई साहब इलेक्ट्रिक टाइप के साथ साथ इसको डार्क टाइप का भी होना चाहिए था, बिकॉज आप इसकी बॉडी को देखो क्या बॉडी है। और दोस्तों ये डार्क टाइप के अटैक को भी काफ़ी अच्छी तरीके से यूज कर सकता है, तो और क्या चाहिए दोस्तों। लग्जरी जो पोकेमोन है सच में डार्क टाइप का डिजर्व करता है, बिकॉज इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है ब्लू एंड ब्लैक कलर का वो डार्क टाइप पोकेमोन के होते हैं ज़्यादातर। और यार जिस तरीके से ये अटैक करता है डार्क टाइप, जैसे कि करंट अटैक हो गया, उसको देखने से तो मुझे तो ऐसे ही लगता है कि डेफिनेटली 101% इसको डार्क टाइप का होना चाहिए था। और जब इसको मैंने पहली बार देखा था, मुझे तो सच में बता रहा हूँ, मुझे ये लगा था कि ये जो पोकेमोन है डार्क टाइप का है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर गया। और दोस्तों उन सब कारणों की वजह से अपना जो पोकेमोन है लग्जरे हमारे वीडियो में नंबर 7 पर आता है। नंबर 6 पर जो पोकेमोन आता है ना, उसको देखने के बाद आप बोलोगे क्या है ये, है क्या, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ कैश फॉर्म के बारे में। ये जो पोकेमोन है इसको देखने से लगता है क्या इसको पोकेमोन ही किसने बनाया, बट जो भी हो दोस्तों ये पोकेमोन जो है अपने फॉर्म को चेंज कर सकता है। यहाँ पर देखने वाली बार मुझे यहाँ पर इसमें ये लगी कि इस पोकेमोन को यार घोस्ट टाइप का भी होना चाहिए था, बिकॉज जैसा कि आप सबको पता है कि यार इसका जो कलर है ना कहीं यार थोड़ा ग्रे और ब्लैक कलर के बीच में जो कलर है वो कलर है, और ऐसा कलर तो यार घोस्ट टाइप पोकेमोन के पास ही होता है, जैसे कि गैसली पोकेमोन है, गेंगार है, हॉन्टर है, उनके पास है। और दोस्तों यार ये पोकेमोन टाइप भी चेंज कर सकता है, फॉर्म भी चेंज कर सकता है, और ऐसी की ऐसी पावर हमने गैसली के पास देखी थी सीजन 1 में। और दोस्तों यार ये जो पोकेमोन है हवा में उठता है बिल्कुल गेंगार और गैसली की तरह, ये पावर मुझे घोस्ट पावर जैसी लगती है। और इन सब कारणों की वजह से कैश फॉर्म को यार डेफिनेटली घोस्ट टाइप का भी होना चाहिए था, बट ऐसा हुआ नहीं, क्या रीजन रहे होंगे मुझे नहीं पता, आप पोकेमोन कंपनी वालों से पूछ सकते हो। और फिर दोस्तों यार नंबर 5 पे जो पोकेमोन आता है ना, उसको देखने के बाद आप बोलोगे ये पोकेमोन है या फिर मशीन, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ किंग क्लैंग के बारे में। ये जो पोकेमोन है ऐसा लगता है बिल्कुल मशीन पोकेमोन है, और यार जो पोकेमोन मशीन होते हैं उसको यार इलेक्ट्रिक टाइप का तो होना ही चाहिए था, बट यार इसको इलेक्ट्रिक टाइप का बनाया नहीं गया, मुझे नहीं पता यार क्यों। ये पोकेमोन सच में यार 101% डिजर्व करता है इलेक्ट्रिक टाइप का पाना, बिकॉज यार आप इसको देखो यार इसकी बॉडी को देखो, और यार छोटे बच्चे होंगे ना वो इसको देखने से बता देंगे कि हाँ भाई यार इसको इलेक्ट्रिक टाइप का होना ही चाहिए था, और यार पोकेमोन कंपनी वालों को क्या सूझा मुझे नहीं पता कि इसको स्टील टाइप का बना दिया। हाँ स्टील टाइप भी इसके ऊपर 101% सूट करता है, और इसको यार डुअल टाइप होना चाहिए था, यानी कि स्टील एंड इलेक्ट्रिक टाइप अगर इसके ऊपर होता फाइट साहब यार मजी आ जाता। और डैट्स व्हाई ये जो पोकेमोन है किंग क्लैंग हमारी वीडियो में नंबर 5 पर आता है। और नंबर 4 पर जो पोकेमोन आने वाला है ना दोस्तों, वो है स्टार्टर पोकेमोन है होविन रीजन का, बेस्ट स्टार्टर पोकेमोन है वहाँ का। यस मैं बात कर रहा हूँ ब्लेजिकेन के बारे में। ब्लेजिकेन जो पोकेमोन है फायर एंड फाइटिंग टाइप का पोकेमोन है, जिसको देखकर लगता है हाँ भाई यार दम है इसमें, और कहीं ना कहीं दोस्तों इसको देखने से ऐसा भी लगता है कि इसको कहीं ना कहीं फ्लाइंग टाइप का होना चाहिए था, बिकॉज इसका पहला जो फॉर्म है पहला स्टेज जो है टोर्चिक वो एक बर्ड के ऊपर बेस्ट था, और जो यार पोकेमोन बर्ड के ऊपर बेस्ट होते हैं वो ज़्यादातर फ्लाइंग टाइप के होते हैं, और यार टोर्चिक भी फ्लाइंग टाइप का नहीं था, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अपना जो पोकेमोन है ब्लेजिकेन तीन टाइप का होना चाहिए था, और वो है फायर फाइटिंग एंड फ्लाइंग टाइप। अगर ये तीनों टाइपिंग इसके पास होती तो इसको बेस्ट फायर टाइप स्टार्टर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता, और इसी कारण की वजह से अपना जो प्यारा सा पोकेमोन है डरावना जो पोकेमोन है यस ब्लेजिकेन हमारी वीडियो में नंबर 4 पर आता है। और दोस्तों नंबर 3 पे और नंबर 2 पे और नंबर 1 पे तीनों पर लेजेंडरी एंड मिथिकल होने वाले हैं, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो और पॉपकॉर्न लेके आ जाओ, अब मजा आने वाला है। यस दोस्तों यार नंबर 3 पे जो पोकेमोन आता है वो है गिराटिना पोकेमोन। गिराटिना जो पोकेमोन है घोस्ट एंड ड्रैगन टाइप का है, जो कि सच में अच्छी भी बात है, बट कहीं ना कहीं यार ड्रैगन टाइप पोकेमोन इसके ऊपर सूट भी करता है, बट दोस्तों कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस पोकेमोन को ट्रिपल टाइप का होना चाहिए था, यानी घोस्ट ड्रैगन एंड डार्क टाइप। ये पोकेमोन इतने ज़्यादा डार्क काम किए है, भले इसको एनिमे सीरीज में थोड़ा सा अच्छा दिखाया गया हो, बट जिन लोगों ने मांगा गेम्स पढ़ी है ना उनको पता होगा कि ये पोकेमोन कितना ज़्यादा पावरफुल है, डार्केस्ट पोकेमोन है, और इसी कारण की वजह से अपना जो पोकेमोन है गिराटिना उसको डार्क टाइप का भी होना चाहिए था, वो ये नंबर 3 पर आता है। और दोस्तों नंबर 2 पर जो पोकेमोन आता है ना, उसको सुनने के बाद आप बोलोगे ओ भाई मजे आ गया। यस यार मैं बात कर रहा हूँ अलोला रीजन के जिराओरा के बारे में। जिराओरा पोकेमोन इलेक्ट्रिक टाइप का है, बट कहीं ना कहीं यार इसको हम देखते हैं गौर से देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि ये पोकेमोन अपन को पंच ही कर देगा, यानी कि इसकी शक्ल तो देखो, इसके हाथ देखो, हाथ में इसमें इतनी पावर है ना कि कौन सा भी पंच वाला अटैक करे तो भाई साहब सामने वाला पोकेमोन हार ही जाएगा, और इसी कारण की वजह से यार
सबको ऐसा लगता है, हम सब फैंस को ऐसा लगता है कि इसको फाइटिंग टाइप का भी होना चाहिए था, बिकॉज यार अगर ये पोकेमॉन फाइटिंग टाइप का भी बन जाता तो भाई साहब ये वन ऑफ द बेस्ट पोकेमॉन बन जाता पूरी पोकेमॉन की दुनिया का। फिर दोस्तों नंबर वन पर जो पोकेमॉन आता है ना वो है अपन सबका प्यारा रेगिगैस पोकेमॉन। रेगिगैस जो पोकेमॉन है नॉर्मल टाइप का है, बट अगर आप इसकी बॉडी को ध्यान से देखो तो यार ये चलता फिरता जंगल है, यानी क्या घास ही घास इसकी बॉडी के ऊपर, जो कि एक ही बात दिखाता है कि इस पोकेमॉन को पहले ग्रास टाइप का रखा जाने वाला था, और यार पोकेमॉन कंपनी वालों को ऐसा लगा कि यार नॉर्मल टाइप बना देते हैं, नॉर्मल टाइप पोकेमॉन काफ़ी कम है लेजेंडरीज और मिथिकल में, और इसी कारण की वजह से इसको शायद नॉर्मल पोकेमॉन बना दिया गया। मुझे नहीं पता क्या रीज़न रहे होंगे इसके पीछे, बट यार इस बात से आप सब लोग एग्री करोगे कि यार रेगिगैस पोकेमॉन को नॉर्मल टाइप की बजाय ग्रास टाइप भी होना चाहिए था, या फिर नॉर्मल एंड ग्रास टाइप दोनों होना चाहिए था। तो दोस्तों यार आज की मिस्टेक्स आपको कैसे लगी, आज की मिस्टेक यार हमारे सब्सक्राइबर ने बताई थी तो उनको शॉर्ट आउट, और दोस्तों हमारे चैनल के नए मेंबर को भी शॉर्ट आउट, पोकेगेम्स का आंसर भी दो, एंड बाय बाय।